जिसके पास सेक्सुअल एनर्जी डेवलप नहीं है उनके पास रूटिंग ही नहीं होगा मतलब आ, किसी भी चीज़ में वो टिकाऊ नहीं रहते टिक नहीं पाते किसी भी चीज़ में ठीक है उसको चीपली अगर आप अपने वेस्ट कर दिया तो बहुत आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ेंगे मनस्थिति पे भी असर पड़ेंगे के रिलेशनशिप्स पे भी असर पड़ेंगे के इफेक्टिविटी पे आपके टाइम मैनेजमेंट पे जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स uh, पे कुछ ना कुछ उसका प्रभाव रहेगा जो भी अपने एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है उसको हेल्थ प्रॉब्लम आएगा ही आएगा क्योंकि सारे उसने वेस्ट कर दिया अपना वीर्य अगर आपको वीर्य है अगर वीर्य है आपके पास तो ये सब चैलेंजेस आपके लिए कुछ नहीं होगा आप निपट सकते हैं मतलब आप उससे टकरा सकते हैं टकरा सकते हैं उससे ठीक है तो यहाँ पे मस्तिष्क में ये स्टोर हो जाता है मस्तिष्क के जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड है ना वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा और ऐसे आप अगर पचास बार करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी फील हो जाएगा इसको बोलते हैं तेजस गुरु जी आ, क्या हस्त करने से स्पिरिचुअलिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है क्या उससे अच्छे या बुरे किसी भी तरीके के प्रभाव पड़ते हैं हाँ पड़ते हैं ना क्योंकि ये ही हमारा बेसिक एनर्जी है जो सेक्सुअल एनर्जी है वो मूलाधार चक्र में रहता है और इसको बढ़ाने के लिए दो तीन तरीके हैं और इसमें से सबसे इफेक्टिव तरीका है हस्तमैथुन तो ये एक वैलिड प्रैक्टिस है लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे लोग करते हैं कि हस्तमैथुन करते हुए एजैकलेट भी करते हैं वो हम नहीं करते योग में क्योंकि वो वो ज़्यादा करने से क्या होता है आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है घटती जाती है और इसलिए आपको थकान महसूस होती है जब भी आप एजैकुलेट करते हो तो थकान महसूस होता है और लेडीज़ को यही एकदम महीने भर का एक एक बार आता है पीरियड्स में कि उनको रिलीज़ करना है वो सेक्सुअल एनर्जी तो आपने इसको डेवलप करके स्टोर नहीं किया तो बहुत ही मतलब नुकसान होता है आपके सिस्टम पे क्योंकि उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने में बहुत सारा मेहनत करता है हमारा शरीर और बहुत सारे कैलरीज़ लगते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने वेस्ट कर दिया तो बहुत आपके हेल्थ पे भी असर पड़ेंगे आपके मनोस्थिति पे भी असर पड़ेंगे और आपके रिलेशनशिप्स पे भी असर पड़ेंगे और आपके इफेक्टिविटी पे आपके टाइम मैनेजमेंट पे आपके सब सारे आपके ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स पे कुछ ना कुछ उसका प्रभाव रहेगा गुरु जी क्या हस्तमैथुन करने के कुछ कुछ जैसे पॉपुलर आमतौर पे लोगों को जो लगता है मिसकंसेप्शंस होते हैं हुँ. जैसे कि इसको करने से कोई इंसान अंधा हो सकता है हाँ। इसको करने से आ, आ, दिमाग पे भी असर पड़ सकता है हाँ। इसको करने से लोग आ, एग्रेसिव हो जाते हैं हाँ। क्या ये सब आ, सही है इसको बोलते हैं एनेकडोटल इन्फॉर्मेशन तो ये एनेक्डोटल इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है पता है किसी को हुआ होगा ऐसा और क्यों हुआ होगा हस्तमैथुन की वजह से नहीं हुआ होगा या इतना किया उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक कि शायद कुछ देर के लिए उनकी आंख आँखों में से रोशनी चली गई होगी क्योंकि बहुत इलेक्ट्रिसिटी जाता है इसमें ठीक है सिर्फ फ्लूड का लॉस से कुछ नहीं होता लेकिन फ्लूड तो बहुत ही इलेक्ट्रिकली चार्ज है आप चेक कर सकते हो ये इट इज़ मेनी टाइम्स मोर चार्ज देन ब्लड और या तो फिर शरीर में जो पानी रहता है उससे भी बहुत ज़्यादा ये चार्ज रखता है इलेक्ट्रिकल चार्ज तो आप अपने बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हो ये करके ठीक है तो कुछ ना कुछ होगा ऐसा जो मतलब इस सेब के जो सीड्स होते हैं ना बीज सेब के बीज उसमें साइनाइड होता है लेकिन बहुत कम साइनाइड होता है तो एक खा लिया तो कुछ नहीं होगा अपने मतलब इतना कलेक्शन करके खा लिया तो मर जाएंगे आप वैसे भी वैसे इसका एनर्जी लॉस एजैक्युलेशन का एनर्जी लॉस इतना होगा थोड़ा सा लेकिन ढेर सारा आपने कर लिया इकट्ठा कर लिया पूरे महीने किया चार चार बार दिन में तो क्या हो जाएगा अंधा भी हो सकता है ब्रेन का भी डैमेज हो सकता है एनर्जी गया तो कुछ भी डैमेज हो हो सकता है क्योंकि एनर्जी पे ही सारा शरीर चलता है और शरीर जैसे प्रायोरिटाइज़ करता है वैसे आपकी ऑर्गन्स बच जाएगी जिन ऑर्गन्स को प्रायोरिटाइज करता है आपका शरीर वो ऑर्गन्स बच जाएंगे और बाकी सब ऑर्गन्स में एनर्जी नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली अक्रॉस द सेल एक वोल्टेज रहना चाहिए वो रहना चाहिए माइनस फिफ्टी मिली वोल्ट्स लेकिन हीलिंग के लिए इससे ज़्यादा भी चाहिए लेकिन आमतौर पर लोगों का वोल्टेज रहता है माइनस बस इतना ही तो ज़्यादा वोल्टेज चाहिए उधर एक बहुत सारा वोल्टेज डिफरेंस रहने पे अक्रॉस द सेल आपको हीलिंग हो जाएगा और आपकी यूथफुलनेस वापस आ जाएगी लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ पच्चीस साल के लड़के ने यूथफुलनेस खो के रखा है क्योंकि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है स्ट्रेंथ तो नहीं है पेड़ चढ़ो चढ़ने को बोलो तो गिर जाते हैं फिसल जाते हैं मतलब एकदम एक फिजिकलिटी एक नहीं है उनके लिए क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं दिन भर मतलब एनर्जी लूज़ करने के लिए हस्त मैथुन एक इकलौता तरीका नहीं है आप आ, गेम्स खेल के भी अपने एनर्जी को वेस्ट कर सकते हो और आप आ, पढ़ाई करके भी आप अपने एनर्जी को वेस्ट कर सकते हो क्योंकि पढ़ने से कुछ फ़ायदा होता ही नहीं सब सबको पता है फिर भी पढ़ते हैं ठीक है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हम करते हैं जिसको जो सबको पता है लेकिन फिर भी हम करते हैं अपने आसपास देखते हैं कि कोई शादीशुदा आदमी या औरत खुश नहीं है फिर जाके शादी करते हैं क्योंकि हम डिफरेंट हैं ना हमसे हाँ हम, हमको कुछ नहीं होगा ज देखते हैं कि सारे लोग जिन जिन्होंने एजुकेशन किया आ, वो अभी मर रहे हैं वर्किंग इन हेल्थ किचन ठीक है तो मर रहे हैं एकदम आ, जैसे ये फैक्ट्रीज होते हैं ना अभी फैक्ट्रीज नहीं बोलते उसको कॉरपोरेट बोलते हैं लेकिन वो फैक्ट्रीज ही होते हैं ठीक है तो फैक्ट्री वर्कर बनने के लिए आपका एजुकेशन है और फिर सोशल एडवाइस ऐसा है कि हर किसी को शादी करने बच्चे पैदा करने हैं ऐसा नहीं कि हर किसी को करना है हर किसी ने किया तो फिर खाएंगे क्या हम तो मतलब इतना पॉपुलेशन बढ़ चुका है कि मतलब ऐसे एक जगह जो ढूंढ के दिखाओ जहाँ पे ट्रैश नहीं है ऐसे कोई भी नेचर में अब जाओ तो ट्रैश फेंक के रखा है ये पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारा पॉपुलेशन ठीक है तो आ, हमको सोच समझ के अपने डिसिशंस लेने हैं एक ही चीज़ आपको आपके एनर्जी को घटाता है मेंटली और वो है इनडिसशन निर्णय ना लेना तो उसको फ्लोटिंग में ही रखना है क्योंकि मतलब एकदम टाल देते हैं डिसीशन लेने की जो शक्ति हमारे ब्रेन में है वो यूज़ नहीं करते तो सोचते हैं फ्यूचर के बारे में कि अगर ये हो गया तो क्या होगा अगर ये हो गया तो क्या होगा तो इसी में भी आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे अंदर है उसको योग में बोलते हैं वीर्य तो उस वीर्य को आप वेस्ट कर सकते हो ऐसे आ, बिल्कुल इंडिससिव थॉट्स करने से या, फ, या फिर यू ना प्लान नहीं करते लोग अपनी ज़िंदगी को ठीक है कुछ तो रैंडम होता रहता है फिर कुछ बुरा हो जाता है फिर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है फिर कुछ ना कुछ रहता है ड्रामा लेकिन अगर आपको वीर है अगर वीर है आपके पास तो ये सब चैलेंजेस आपके लिए कुछ नहीं होगा आप निपट सकते हैं मतलब आप उससे टकरा सकते हैं टकरा सकते हैं उससे ठीक है तो वो जिंदगी से टकराने की जो शक्ति रहती है वो होता है वीर्य लेकिन सब चीज़ों से आप अग्रीमेंट करके आप अपने रास्ता को छोड़ के किसी और के रास्ते पे जाओगे तो इसके लिए वीर्य नहीं चाहिए तो वीर्य अपने आप एजेक्ट हो जाता है अपने शरीर से जहाँ पे चक्र है ना हमारे सात चक्र हैं तो सबसे नीचे वाला चक्र है मूलाधार जो अर्थ को कनेक्ट होता है अर्थ के मैग्नेटिज्म, भूमि के मैग्नेटिज्म में कनेक्ट होता है ठीक है और इसको हम डेवलप करेंगे तो ये जो मूलाधार चक्र है इस यही है सेक्सुअल एनर्जी तो सेक्सुअल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिस जो हमको रूट करता है और हमें इसको डेवलप uh, करना चाहिए एक्चुअली अकॉर्डिंग टू योगा हस्तमैथुन करना चाहिए लेकिन एजाक्लेशन नहीं क्योंकि एक अनर्जी बिल्डअप होता है उसके उसके लिए करो ना सिर्फ वो लास्ट में जो प्लेजर होता है इसके लिए नहीं कीजिए उस प्लेजर से बहुत पहले ही स्टॉप कीजिए ठीक है फिर आपकी एनर्जी नीचे आएगी फिर एनर्जी को उठाओ फिर एनर्जी को नीचे लाओ एनर्जी को उठाओ एनर्जी को नीचे लाओ एनर्जी को उठाओ एनर्जी को नीचे लाओ आधे घंटे भी कर सकते हैं नहीं तो पाँच मिनट में ख़त्म है और यही खेल है जब हस्त महतुन चैम्पियंस शादी करते हैं तो वो अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड पाँच मिनट में ख़त्म कर लेते हैं ठीक है और दैन uh, उसी फ्रस्ट्रेशंस आते हैं ना शादी में तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं इसी के वजह से क्योंकि द वाइफ इज़ नॉट सेटिस्फाइड ये यही प्रॉब्लम हो गया है क्यों लोगों को ये ये आप, आपका जिम्मेदारी भी है अगर आप अगर आप किसी औरत का मर्द बनने वाले हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि आ, उनका सेक्सुअल प्लेजर आपका भी है ज़िम्मेदारी है ना नहीं आप, आपने पाँच मिनट में ख़त्म किया फिर मैं बाकी सब हाथों से करूँगा बोले तो खुश नहीं होगी वो ठीक है आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करें ठीक है तो जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ना हस्त मित करते हैं जैकुलेशन के साथ जैसे आप बहुत सारे लोग करते हैं उससे क्या होता है एकदम जल्दी जल्दी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो जाता है बहुत प्रैक्टिस करने से तो एजैकुलेशन को प्रैक्टिस मत करो आपको प्रैक्टिस करना है द अदर पार्ट अप टू एल एजैकुलेशन यहाँ से यहाँ तक ये यह सेक्सुअल एनर्जी को डेवलप करता है और मूलाधार चक्र को डेवलप करता है जिसके पास सेक्सुअल एनर्जी डेवलप नहीं है उनके पास रूटिंग ही नहीं होगा मतलब आ, किसी भी चीज़ में वो टिकाऊ नहीं रहते टिक नहीं पाते किसी भी चीज़ में ठीक है ऐसे उनकी हालत हो जाती है जब सेक्सुअल एनर्जी वेस्ट होता रहता है ठीक है और लेडीज़ जो हस्तमैथुन प्रैक्टिस नहीं करते नहीं। उनको एकदम लॉस हो जाता है एकदम जो भी है वो इलेक्ट्रिसिटी एकदम चला जाता है ठीक है यार योग में हम बोलते हैं इसको वीर लाभ ठीक है तो हस्तमितुन करने के बाद क्या होता है इवन फॉर मेल्स ऑर्गैज़म जो अभी एजैकुलेशन से जुड़ा हुआ है वो एजैकुलेशन से पहले ही आ जाएगा ऑर्गेजम को खींचेगा इस तरफ ये लेवल है एजैकुलेशन का लेवल है और ये ऑर्गेजम उसके साथ है तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसका लेवल नीचे आ जाएगा और यहीं पे आपको ऑर्गेजम शुरू हो जाएंगे विदाउट एजेकुलेशन ठीक है तब आपको जाके तृप्ति मिलेगी सेटिस्फैक्शन मिलेगी Uh, जैसे आपको अभी मिलता है विदॉट द टायर्डनेस इसके लिए एम करो ठीक है कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता सिर्फ नो फैप नो फैप करता है नो फैप करने से कुछ क्या होता है नो फैप करने से आदमी पागल हो जाता है आपने देखा है जैसे हाथी होता है मस्त हाथी वैसे होता है वो फिर वो कुछ ना कुछ फुल हार्डी चीज़ करेगा ठीक है और सेक्शुअल परवर्जनस में चला जाएगा नो फैप करने से वैसे भी चले गए हैं जो ज़्यादा फैप करते हैं ना वो लोग सेक्सुअल परवर्जनस में चले गए हैं क्यों क्योंकि ऑर्डिनरी सेक्स उनको एक्साइट नहीं कर रहा है अभी ऑर्डिनरी पर्वन उनको एक्साइट नहीं कर रहा है उनको एक्स्ट्रा कुछ तो चाहिए क्योंकि सब ने सब देख लिया उसने डेली टू थ्री आवर्स किया पाँच छः घंटे किया पता नहीं कितने घंटे करते हैं ठीक है तो ऐसे किया और बहुत सारा एजैकलेट किया फिर एक तो प्रेमचोर एजैक्ट आ जाएगा और दूसरा हो जाएगा कि ऑर्डिनरी बॉडी से एक्साइट नहीं हो पा रहे उनको पॉन स्टार वाली बॉडी चाहिए एक्साइट होने के लिए और दूसरा चीज़ ऑर्डिनरी सेक्सुअल एक्ट से एक्साइट नहीं हो रहे है उसमें उसकी उसकी जो खूबसूरती है उनको दिखता ही नहीं है उनको कुछ और करना है कुछ किंकी करना है ठीक है तो ऐसे ऐसे लोगों की हालत हो जाती है फिर बोलते हैं अपने, अपने फिर इसके बारे में पढ़ते हैं आई हैव किंग करके उसके बारे में पढ़ते हैं, बोलते हैं सोचते हैं कि ओह ये भी एक कम्यूनिटी है जो मेरे जैसे पागल है फिर उस उसको वो बोलते हैं कि ये एक सेक्शुअल है वी लाइक टू कॉज पेन टू इच अदर एंड एंड वो किसी भी हद तक जा सकता है और ऐसे करते करते वो रिक्रूट भी करते हैं दूसरे लोगों को कि तुम भी मेरे किंक में शामिल हो जाओ और ऐसे ऐसे चीज़ों में लग जाते हैं लोग क्योंकि वो सेक्सुअल एनर्जी डायरेक्ट नहीं हो रहा है ना तो मैंने क्या बोला ऑर्गेजम और के बाद जब आपको प्रैक्टिस के बाद लगता है कि मेरा ऑर्गेजम आगे आ गया है और हिजैकलेशन पीछे रह गया है और ऑर्गेजम ही ऑर्गेजम हो रहा है अगर मैं ये लेवल पे मेंटेन करूं तो एक औरत के जैसे मेरे को ऑर्गेजम हो रहे हैं आदमी हो भी तो ऐसे जब होते हैं तो आप उसको थोड़े से टाइम दीजिए ऑर्गेज़म को फिर उसको स्टोर करना है hmm. उसको स्टोर कैसे करना है ये अंगूठा है ना अंगूठा hmm. नाभि में के दिस hmm. इज़ फॉर मेन मैं बता रहा हूँ hmm. क्लॉकवाइज़ ऐसे रोटेट करना है जैसे वो गैप है आपकी पीनस और नाभि के बीच में जो गैप है ना वहाँ पे एक सर्कल करना है ऐसे hmm. वो सर्कल रहेगा छत्तीस बार क्लॉकवाइज और चौबीस बार नहीं चौबीस नहीं अट्ठाईस बार अट्ठाईस बार एंटी क्लाक ठीक है दर्स फॉर मैन तो ये लॉक हो जाता है एकदम क्योंकि क्लॉकवाइज़ है सूर्य की शक्ति थर्टी सिक्स छत्तीस और जो ट्वेंटी एट रहता है वो मून का शक्ति होता है तो वो दो पोलैरिटीज हो गए हमारे अंदर तो इसमें हम उसको ओरिएंट कर रहे हैं ये कोड है जैसे आप सेफ में एक कोड डालते हो ना और वो वो सेफ खुल जाता है यहाँ पे आप ये कोड डालोगे तो वो अंदर चला जाता है एनर्जी ठीक है और ये योगियों ने सिखाया और आप प्रैक्टिस करो आप खुद देख जाएंगे आपको खुद दिख जाएगा कि ये ये कोड वैलिड है ठीक है और लड़कियों के लिए अगर वीडियो को लॉक करना है तो बाएं हाथ से इधर रख के सेम एरिया में एंटी क्लॉकवाइज करना है छत्तीस और क्लॉक करना है 28 तो वो लॉक हो जाता है और बाकी से, से के सारे प्रोसेस सेम है लड़कियों के लिए और, और अगर आप आपने ऐसा किया तो यहाँ पे महसूस होगा जैसे एक सागर है एक शक्ति का सागर है तो उस शक्ति का सागर को अपने रीढ़ की हड्डी को एक स्ट्रॉ मान के उसको ऊपर खींचना अपने सांसों के द्वारा से ठीक है तो सांस आप इधर तक लेंगे इसको बोलते हैं द्वादशी या ब्रह्म तो यहाँ पे मस्तिष्क में ये स्टोर हो जाता है मस्तिष्क के जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड है ना वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा इस ऐसे करने से ये चार्ज को लेके हम इधर जाके मस्तिष्क को चार्ज करें और ऐसे आप अगर पचास बार करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी फील हो जाएगा इसको बोलते हैं तेजस और बहुत तेजस भी बनोगे तो ये सब जल जाएगा आंखें जल जाएंगे सब ठीक है तो बहुत स्टोर नहीं करना है पचास बार ऐसे सांस लेना है फिर आप, आपको एनर्जी ठीक लगा तो ठीक अनकम्फर्टेबल लगा तो आगे से नीचे लाना है उसको तो इस जीप को आप अप ऊपर अपने अपने ऊपर ऊपरी पैलेट पे कनेक्ट कर दीजिए इसको बोलते हैं खेचारी मुद्र तो खेचारी मुद्र करने से यहाँ पे जो मस्तिष्क में जो इलेक्ट्रिसिटी है चार्ज है वो नीचे आ जाता है तो खेचारी मुद्र करके एक्सेल करो सांस बाहर छोड़ते हुए उसको नीचे लाओ वापस जो एक्सेस है फिर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा तेजस आ जाएगा आयुर्वेद में इसको ओजस बोलते हैं योग में इसको वीर बोलते हैं तो ये ओजस को लेके तेजस बनाया आपने हाँ ये हमारी आ, मतलब एंशेंट टेक्निक है योग की कि सेक्शुअल एनर्जी को मैनेज कैसे करें ठीक है और सभी युवा युवती को इसमें लगना चाहिए क्योंकि ये आपको एक तेजस देगी दिमाग की तेजी देगी ठीक है वही चाहिए हमको तेज़ दिमाग सो so, नहीं तो उल्टा हो जाता है <laughs> जो बहुत मतलब मैस्टिबेशन करते हैं उनका उल्टा हो जाता है दिमाग एकदम धीमी सी हो जाती है और वो बुद्धि शक्ति नहीं रहता उनके पास okay, हाँ ये प्रॉब्लम है गुरु जी थोड़ा तेजस के बारे में और बताएंगे कि कैसे वो से अलग है और उसके क्या फ़ायदे हैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि लेडीज़ को महिलाओं को अगर वो हस्तमैथुन प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी एजैकुलेट मैटर आता है दैट्स ओके क्योंकि उनको वीर्य लॉस नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी कम नहीं होता है लेकिन उनका होता है पीरियड के समय तो अगर ये करके उन्होंने स्टोर नहीं किया तो पीरियड्स बहुत ही पेनफुल हो जाएंगे और बहुत ही रिप्रोडक्टिव वाले हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ जाएंगे जैसे इनफर्टिलिटी ये वो बहुत सारे आते हैं क्योंकि जैसे ये इनजस्टिस में बहुत सारे वीरे को लूज़ करते हैं जैसे इनडिसशन में जाते हैं वैसे लेडीज़ के लिए इनजस्टिस में जाता है फीलिंग दैट दिस इज़ नॉट जस्ट ये ठीक नहीं बोला ये ठीक नहीं किया ये वो तो इस फीलिंग्स में जाता है लेकिन एक सिर्फ एक बार आप समझ लो कि नेचर का जस्टिस सिस्टम अलग है जो प्रकृति का जस्टिस सिस्टम है वो उसका एक ही रूल है आप ऑब्ज़र्व कर लो कहीं पे भी आ, ये जो न्याय है वो एक प्रिविलेज है किसका प्रिविलेज है जिसको पावर होता है उसका प्रिविलेज है ठीक है हर किसी का प्रिविलेज नहीं है हर हर कोई न्याय का पात्री नहीं है आप नेचर के जस्टिस सिस्टम में देखोगे तो पावरफुल पीपल ऑलवेज गेट जस्टिस नेचर में भी देखो पावरफुल फोर्सेज गेट वॉट दे वॉन्ट इसमें इनजस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो नेचर जस्टिस सिस्टम है पावर इज़ रिवॉर्डिड ठीक है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या कुछ भी बोलो आप लेकिन हमारा जस्टिस सिस्टम है कुछ और कि मैंने कुछ आपके लिए किया तो आपने आप मुझे मुझको उतना ही एहसान वापस करना है आपको ऐसे कुछ कुछ हिसाब रखते हैं yeah. नेचर कोई हिसाब नहीं रखता है आपके पास पावर है तो जस्टिस ही जस्टिस है yeah. जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा ठीक है yeah. ये अगर यू नो you know, ज़्यादातर लड़कों को भी होता है ये लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को होता है ये सोच कि इनजस्टिस हो रहा है yeah. और इसको अगर आप छोड़ेंगे इस इसको अगर आप मुक्त कर देंगे कि मेरे पास पावर है तो मेरे पास जस्टिस रहेगा अगर मैं जस्टिस के बारे में सोच रहा हूँ तो वजह है कि मेरे पास पावर नहीं है तो मैं पावर कैसे बढ़ाऊँ इसमें अगर आप लग जाएंगे तो आप योग सीख सकते हैं क्योंकि योग में आपका पावर बढ़ता है ठीक है और इसमें एनर्जी लूज़ करने की ज़रूरत नहीं ऐसी बातों में कभी नहीं तो अगर आपने एनर्जी कंजर्व किया तो पीरियड्स में आपको वो एनर्जी लॉस नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मस्तिष्क में गया और तेजस बन गया और जो तेजस्वी होते हैं वो एक परमानेंट फोर्स होता है एकदम सराउंड करता है आपको बहुत सदमा लेना पड़ेगा उसको कम करने के लिए क्योंकि फिज़िकली शरीर को सदमा लगा तो भी तेजस कम नहीं होता है लेकिन वीर्य कम हो जाएगा फिज़िकल डिसीज़ेस से वीर्य कम हो जाता है तो वीर्य एक वोल्टेज है और तेजस क्या है किसी को पता नहीं वो एक एनर्जी फील्ड है तेजस ये एक एनर्जी है और वो एक एनर्जी फील्ड है जैसे मैग्नेट में ना दो मैग्नेट को पास लाएंगे तो आप एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस होता है साथ में आ जाता है इट डज वर्क लेकिन ये पोटेंशियल टू डू वर्क है ना इसको बोलते हैं एनर्जी फील्ड तो एक इन्विजबल फील्ड है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक ए फोर पेपर डाल के उस पर एन फाइलिंग्स डालोगे तो एक क्रॉस सेक्शन दिखता है फील्ड का लेकिन वो एक राउंड फील्ड है एकदम तो एक टोराइडल फील्ड बोलते हैं तो मैग्नेट का एक टोराडल फील्ड होता है जैसे मैग्नेट का टोराइड फील्ड होता है ह्यूमन्स का भी टोराइड फील्ड होता है अपने हार्ट से ऐसे निकल के आता है ये एक टोराडल फील्ड होता है इसको बोलते हैं अनाहत चक्र और जो मूल का फील्ड होता है वो इन्वर्टेड लोटस है वो अंदर जाता है ऐसे भूमि के अंदर जैसे जड़ जाते हैं ऐसे जाता है जड़ों के जैसे ऐसे हर हर वक्त ऐसे एनर्जी फ्लो रहता है वो सेक्सुअल एनर्जी है उसकी भंडार रहनी चाहिए ये एक सागर है एकदम इन्वर्टेड फिर यहाँ से जो अपनी जेनिटल्स होते हैं ना वो है स्वादिष्ठान चक्र और स्वादिष्ठान चक्र में आपको अपने स्वमूर्ति बनाने का अवसर है कि आप इसमें एनर्जी रहेगा ना बहुत सारे एनर्जी रहेगा तो आप एक बहुत महंगी स्वरूप आ, खरीद सकते हो <laughs> जैसे गेम्स में ख़रीदते हैं ना अपना अपना कैरेक्टर को इतना पैसे देके एक गन उसके लिए और कुछ अवतार अपने अवतार के लिए जैसे आप ख़रीदते हो तो ये है होता है अपना करेंसी जो नीचे मूल चक्र में होता है वो है हमारा एनर्जी करेंसी तो वो करेंसी लेके आप कैसे कैरेक्टर को अफोर्ड कर सकते हो वैसे कैरेक्टर आप बन सकते हो और वो आपका स्वरूप या स्वमूर्ति बन जाएगा ठीक है तो उसका आकार भी रहता है और वो भी एक एनर्जेटिक फील रहता है स्वमूर्ति हमारे ऊपर तो वो है स्वादिष्टान चक्र तो किसी किसी का सुमूर्ति देवों जैसे होता है किसी किसी का सुमूर्ति अमीबा जैसे होता है शेपलेस ठीक है एक अमीबा जो पंचर हुआ है ऐसे लगता है फ्लैट एंड शेपलेस एनर्जी कभी क्लाउड की तरह ब्लैक आता है उसी को बोलते हैं डिप्रेशन तेजस नहीं अपोजिट ऑफ तेजस इज डिप्रेशन अगर तेजस ही नहीं है सिर्फ आ, आ, काले मेघ पड़े हुए हैं अगर एटमोसफियर में हाँ तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन ये सब दिखता है मुझे क्योंकि ये हमारे आँखों से दिखता है अगर हम ट्रेनिंग करेंगे योग में ट्रेनिंग करेंगे तो और बहुत तेजस लगता है उसको देखने के लिए भी जो अपने तेजस को डेवलप करेगा वो ये सब देख पाएगा ठीक है फिर दूसरा चक्र है ये जो नाभि में आता है और ये है ऊपर वाल ऊपर जाने वाला लोटस ऐसे जाता है ऐसे थ्री डायमेंशनली एक फील्ड रहता है और ये हमारा पावर होता है दुनिया में हमारा रेपुटेशन या लोग जो हमें एनकरेज करते हैं इस एनर्जी के वजह से इनक्रेज करते हैं कि हमारे नाभि से इतना एनर्जी आ रहा है तो वो इनक्रेज करते हैं हमको सपोर्ट भी करते हैं और हम हमारा साथ भी देते हैं तो ऐसे लोग होते हैं कि हर कोई उनका साथ देता है उनको बहुत बड़ा मणिपुर चक्र का एनर्जी रहता है ठीक है ये भी डेवलप कर सकते हैं योग के द्वारा जो मेरा सिक्सटी फोर डे चैलेंज है अगर ये आप करेंगे चौंसठ दिन का चैलेंज है अगर ये आप करेंगे तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डेवलप और मेंटेन हो जाएगा ठीक है तो मैंने ऐसे इसको एक चैलेंज बनाया क्योंकि आजकल कर योग करना इज़ चैलेंजिंग तो मैंने एक चैलेंज बनाया तो इसमें ये इस सब डेवलप हो जाएगा ठीक है क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैसे डेवलप करूँ ये तो ये उत्तर दे रहा हूँ मैं एडवांस में ठीक है ओके okay. नेक्स्ट है यहाँ अनाहत चक्र तो अनाहत चक्र मैंने बोला होता है टोराइडल फील्ड तो ये कोई साधारण टोराडल फील्ड नहीं है एक साधारण आदमी के लिए भी एक साधारण मनुष्य के लिए ये ट्वेंटी टू फीट जाता है बाईस फीट आगे पीछे ठीक है और जिसने योग प्रैक्टिस किया उन, उनकी तो किलोमीटर्स तक जाता है किसी किसी का 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक जाता है उनका एनर्जी फील्ड उतना रहता है तो सारे उनका हृदय का इन्फ्लुएंस रहता है आ, पचास मील या सौ मील की रेडियस में जो भी रहते हैं वो इनके हृदय के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाते हैं तो ये भी एक सिद्धि है महासिद्धि है ये कि लोगों लोगों को आ, चाम करे या उन उनको इम्प्रेस करे इतना कि वो आ, आप आपकी बात माने और आपके साथ दें ठीक है और इसी ऐसी एनर्जी हम डेवलप करेंगे तो सुख शांति रहेगा समाज में नहीं तो ये कम होता जाएगा ना ये 22 फीट से कम होता जाएगा ना तो आदमी एकदम वायलेंट बनता है एकदम उनको लगता है कि अन्याय हो रहा है, मेरे सब कुछ तो करना है हा 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 करके बहुत एनर्जी लॉस होता है इसमें ठीक है और हार्ट uh, फेलियर भी होता है हार्ट प्रॉब्लम्स भी आते हैं लंग प्रॉब्लम्स भी आते हैं इसको कम करने से ठीक है तो आप समझ लो अगर या इस इस एरिया की में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आपकी हार्ट एनर्जी कम हो गया है अनाहत चक्र में और यह है चक्र आ, इसको बोलते हैं विशुद्धि क्योंकि ये सबकी करता है यहाँ पे वाग देवियाँ रहते हैं ये भी एक लोटस है जिसके आठ आठ पेटल्स हैं एकदम ऐसे और हर एक पेटल में वाग देवी ऐसे है आ, लेटी हुई हैं वाग देवियाँ थी। सराउंडेड ठीक है वो जिनको दिव्य दृष्टि होता है उनको दिखता है देख सकते हैं लेकिन लोग इन वाग देवियों को खुश नहीं रखते लोग अपने वचन में बहुत ही मतलब सेल्फिश uh, और क्या बोलते हैं घटिया तरीके से सोचते हैं अपने वर्ड्स जो अपने अंदर बोलते हैं ना अपने शब्द जो अंद, अंदर ही अंदर जो आप सेल्फ टॉक करते हो वो तो उसकी वजह से ये श्रिंक हो जाता है अगर इधर का एनर्जी श्रिंक हो गया ना तो आपको हेल्थ अफेक्ट होगा इसमें से किसी भी एक देवी का श्रिंक हो गया थोड़ा सा भी उन, उनका पेटल श्रिंक हो गया तो आपके हेल्थ अफेक्ट करेगा इमीडिएटली तो अगर इन इन देवियों को खुश रखेंगे आप तो आप हेल्थी रहेंगे ये होता है हमारा विशुद्धि चक्र जो सबका शुद्धि करता है ठीक है शुद्धि अगर आप शुद्धि प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिन बाद आपको सिद्धि भी मिल जाएगा जहाँ पे ये इतना बड़ा है कि आप इतने इन्फ्लुन्शल हो कि जो आप बोलते हैं नेचर भी सुनता है ऐसे भी हो सकता है ध्यान करने से ठीक है और ये होता है आज्ञा चक्र और ये भ्रू मध्य में रहता है इधर तो इस आगे चक्र को डेवलप करने से आपकी फ्यूचर और आपका स्टोरी बनता है जो हिस्ट्री आपका है अभी फ़िलहाल सभी का हिस्ट्री है कि भारत को इंडिपेंडेंस मिला गांधी जी के वजह से और उसके पहले हम स्लेव्स थे ऐसे नहीं है हमारा हिस्ट्री इतना छोटा नहीं है ठीक है किसी किसी का हिस्ट्री अपनी फैमिली तक लिमिटेड है कि हमारी फैमिली ने आ, में ये सब हो गया ये सब हादसे हो गए हमारे फैमिली के साथ मेरे साथ भी तो फिर मैं एक विक्टिम हूँ मैं हर किसी चीज का शिकार हूँ तो ऐसे लगता है लोगों को ठीक है तो ऐसे लगेगा आपको तो आपका स्टोरी बहुत ही छोटा बन जाएगा आपका फ्यूचर भी ना आप खींच नहीं पाएंगे खींचना भी नहीं चाहेंगे आप क्योंकि यही दिखता है आपको फ्यूचर में जो अभी भी चल रहा है वही दिखता है फ्यूचर में तो खींचने में भी आपको मज़ा नहीं आता है आप सोचते हैं अच्छा रहेगा कि मैं मर जाऊं ऐसे आप सोच के फिर आप सोचोगे कि पचास साल बाद मैं कैसा रहूंगा आपको इमेज है ही नहीं उधर खाली है एंट्री खाली है पचास साल बाद की एंट्री खाली है इधर आगे चक्र में आपने पचास साल बाद की एंट्री खाली कर दिया सो इससे इस पहले मरने वाले हो आप हर किसी ने अपने मरने का डेट तय करके रखा है अपने आगे चक्र में क्योंकि वो नहीं जानते कि आ, अपने फ्यूचर कैसा रहना चाहिए क्योंकि उनका पास्ट में भी उतना ग्लोरी नहीं है उतना ब्यूटी नहीं है मतलब वो, वो कचरे से निकला पास्ट और कचरे में ही जाएगा फ्यूचर जो एक, एक शान से निकलता है पास्ट तो वो एक शानदार फ्यूचर तक जाएगा है ना तो कैसे भी करके अपने पास्ट को शानदार बनाएं, जुड़ जाइए अपने शानदार अतीत से है नहीं कैसे अतीत के साथ जुड़े आप हम स्लेव थे गांधी ने हमको लिबरेट किया ये कैसे अतीत है ठीक है अतीत इस पास्ट है ठीक है तो आ, ये आगे चक्र हो गया और इससे आगे युवराज ये एक चक्र पे आप फोकस करोगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शिव जी का ये है पैर है और यहाँ पे शक्ति जी का पैर है ठीक है ये अर्धनारी के रूप में यहाँ खड़े हैं हमारे ऊपर और ये ब्लेसिंग्स हमें ऑटोमेटिकली आते हैं ह्यूमन शरीर जो लेता है उसके ऊपर भगवान के पैर रहते हैं ऐसे और इसको हम अगर रेजिस्ट नहीं करेंगे इसकी जो एनर्जी हम अपने आप में स्वीकार करेंगे तो हम भी बन जाएंगे दिव्य ठीक है सिर्फ नाम रखने से दिव्य नहीं बनते आप दिव्या नाम रखे ठीक है आपको दिव्य बनना है इस एनर्जी को लेके दिव्य बनना है आपको खुद दिव्य बनना है देव नाम के देव नहीं बनते आप ठीक है अप, <laughs> इस एनर्जी को अपने बॉडी में खींचना है तो ये सारे प्रैक्टिसेस मैं अपने चौंसठ दिन के कोर्स या कोर्स नहीं ये चैलेंज है चैलेंज में सिखाता हूँ कि हर एक क्लास चैलेंजिंग होता है इतना चैलेंजिंग होता है कि हम लोग उसे कर नहीं पाते अगर उनके पास मोटिवेशन नहीं है तो वे कर नहीं पाते तो इसलिए मैं सारे लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ और इंटरव्यू लेने का लिंक आप इसके नीचे डाल देना ठीक है अगर किसी को करना है तो करो आपकी ज़िंदगी में इतने सारे बदलाव आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव बदलाव आएंगे ठीक है ऐसे नहीं कि बदल के आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे क्योंकि लोग डरते हैं ना कि मैं मैं फेबुलस बन जाऊंगा तो वो जो लोग मेरे ज़िंदगी में है जो फेबुलस नहीं है वो लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे हाँ सच में रिजेक्ट करेंगे ठीक है इसमें डरने की कोई बात नहीं है वो डर है तो मत आइए इधर ठीक है क्योंकि होगा ही होगा जो लोग जो इंसान है आपके ज़िंदगी में जो आपको नीचे खींचते हैं वो आपके पास रह नहीं पाएंगे जब आपका तेजस इतना बढ़ेगा तो उनको बहुत इनसिक्योरिटी हो जाएगा कि मतलब ये क्या हो गया तो कैसे फेबुलस कैसे बन गया तो उनको सेंस सेंस करेंगे ना तो कि आप आप में कुछ चेंज हुआ है तो वो आपको अटैक करेंगे ठीक है ये होगा ही होगा मेरे साथ भी हुआ मेरी फैमिली ने भी मेरे को अटैक किया ठीक है अभी बात ही नहीं करता मैं उनसे ठीक है पहले भी नहीं करता था अब तो बिल्कुल नहीं करता ठीक है क्योंकि हर किसी को आपके ज़िंदगी के बारे में एक ओपिनियन रहता है हर किसी को एक राय है कि आपको कैसे जिंदगी जीना है सिवाय आपके आपके खुद के राय को मूल्य दीजिए और उसको पक्का कर दीजिए और डिसीजन कर लीजिए कि मैं ऐसे जीने वाला हूं तो आपका वीरियो वेस्ट नहीं होगा लेकिन आप इसी में रहेंगे मतलब इसी चक्कर में रहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना क्यों अवॉइड कर रहे हैं आप कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि आपके पास एनर्जी है नहीं कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए भी एनर्जी रहता है ना कोई बोल रही थी मेरे को मेरी एक स्टूडेंट बोल रही थी कल कि मेरे को ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट करने का एनर्जी है मेरे को ना कुछ ना कुछ झगड़ना ही है मैंने बोला ये नेचुरल है ये झगड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए है।, है ना उसमें कॉम्बैट में अगर आप एंगेज करोगे तो हर कोई करता है देखो छोटे शेर का शेर के बच्चे क्या करते हैं अपने आप में झगड़ते हैं ना फुल फोर्स हाँ तो झगड़ते झगड़ते वो स्ट्रांग बनते हैं ठीक है थीके? तो ये हम कैसे ना ये गांधी जी का नॉन वायलेंस टीचिंग है ना हुँ. उसको लेके हम आ, ले जा रहे हैं कि हम हमारा लाइफ इतना नॉन वायलेंट रहना चाहिए कोई कॉन्फ्लिक्ट रहना चाहिए अरे कॉन्फ्लिक्ट से ही आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं हुँ. लेकिन कोई सोचता ही नहीं कि मेरे को कॉन्फ्लिक्ट में एक्सपर्ट बनना है हुँ. हाँ कि मेरे को एनर्जी चाहिए ये सब करने के लिए तो आप थोड़ा सा अगर आपके फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट में एं, एंगेज करोगे हुँ. तो दोनों स्ट्रांग बन जाओगे आप भी स्ट्रांग बन जाओगे आपकी फैमिली भी स्ट्रांग बन जाओगे लेकिन तो आप एंगेज ही नहीं करना चाहते कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज ही नहीं करना चाहते तो फिर कैसे आप अपनी जिंदगी को जियोगे ठीक है तो बोलेंगे ही बोलेंगे ही आपको उल्टा सीधे बोलेंगे ही अगर आप आपने किसी से उल्टा सीधा नहीं बुलवाया तो आप योगी नहीं बनेंगे ठीक है बोलेंगे ही आप पत्थर फेंकेंगे ही ठीक है और उसी में रहता है ब्यूटी उसी में रहता है जैसे वो कुछ नहीं उसने पत्थर फेंका आपको लगा जैसे कॉटन कॉटन फेंका आप पे नहीं तो फूल फेंका ठीक है जितना भी मैं बॉलर के स्पीड में भी फूल फेंकू तो कुछ नहीं होता है हाँ मोगरा का फूल फेंकूँगा मैं तुम पे फुल फोर्स टू ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स पर ऐसे जाएगा कुछ नहीं होगा ठीक है ट्वेंटी फाइव में वो खुद डिसंटेग्रेट हो जाएगा ऐसे फिर आपके पास कुछ आएगा नहीं हवा आएगा वैसे ठीक है लेकिन पत्थर फेंकेंगे तो बहुत मतलब जोर से लगता है तो उस पत्थर उस पत्थर को फूल में कैसे कन्वर्ट करना है ये योग सिखाता है वो है तेजस इतना तेजस्वी आप आके बैठोगे उसके सामने फिर वो बोलेगा कुछ भी आर्ग्यूमेंट लोग मेरे को एडवाइस करने के लिए आते थे कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको ऐसे ज़िंदगी जीना चाहिए तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था एक दिन कोई मेरे, मेरे को एयरपोर्ट में एडवाइस कर रहा था तो मैंने पॉकेट में हाथ डाला इलेक्ट्रिसिटी बिल था तो आज से ये बिल आप पे करोगे क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी में इन्वेस्टेड हैं इस बिल आप रेगुलरली पे करो तो मैं आपको एक कम्पलेंट दूँगा एक कम्प्लेंट का मौका दूंगा आप मुझसे कम्प्लेंट शिकायत कर सकते हैं मेरी जिंदगी के बारे में और मैं सुनूंगा ठीक है तो आज से ये पे कर दो ऑनलाइन कर दो भाई अभी कर दो आप करके वो रिसीट दिखाओ फिल्म में सुनूंगा जो आपका करना है बोले तुम पागल हो गए हो फिर आप क्यों मेरे से बात कर रहे हैं आप भी पागल हो क्या मैंने पूछा ये करने के लिए कुछ कुछ तेजस चाहिए क्योंकि अफेक्ट नहीं हुआ मैं उसने पत्थर फेंका मेरे पे मेरे को फूल लगा तुम्हें बोला भाई कुछ किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं हम कॉफ़ी शॉप में हैं कॉफ़ी पियो मेरे साथ कुछ और चीज़ के बारे कुछ भी के जो लेटेस्ट फिल्म है उसके बारे में बात करो कुछ तो करो यार क्यों इधर आके तुम मेरे को मेरे शादी के बारे में एडवाइस दे रहे हो मैंने पूछा उनसे क्योंकि अभी उन अभी उस वक्त मेरा डिवोर्स होकर मैं माउंटें जाके वापस आया था तो हो गए थे ऑलरेडी डेढ़ साल हो गए थे वापस आया फिर इसको इसकी दिमाग में डेढ़ साल से यही चल रहा है कि तुमने डिवोर्स कैसे किया अरे म्यूचुअल था यार मेरे को भी नहीं रहना था शादी में उनको भी नहीं रहना था शादी में तो म्यूचुअली किया लेकिन इसको ना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी किए बिना मैं कुछ बात करने का मौका दे दूंगा नहीं तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा आइडिया है सबके साथ ही अप्लाई करूंगा सारे बिल लेके मैं सबके पास गया जो मेरे को एडवाइस देते थे एक को दिया मैंने रेंटल रेंट का बिल मैंने बोला आपको चार मौके दूंगा मैं शिकायत करने की आप आप राजी है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा आप साइन कर दो फिर आप एडवाइस देना मेरे वही पुखाना है तुम तो पागल हो गया क्या तो मैंने बोला का शायद लग आप मुझसे मुझे, मुझे एडवाइस दे रहे हैं आप कितने पागल है पागलों को एडवाइस दे रहे हैं आप, आप कौन है आप पागल खाना हो क्या पागल खाने के डायरेक्टर हो क्या ठीक है तो ऐसे उनको सुलझाए मैंने ठीक है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए वो कॉन्फ्लिक्ट में लग के दिखाने के लिए कि आप मुझे पुश नहीं कर सकते और मैं बिगड़ूंगा भी नहीं जब आप, आप पुश करेंगे क्योंकि बिगड़ने का मुझको शौक नहीं है ठीक है <laughs> कुछ भी करो <laughs> तो ये एनर्जी होता है तेजस का तो पहले तेजस डेवलप करो फिर ये सब आपकी ज़िंदगी में एक नए एक हिस्ट्री बन जाएगा क्यों ये योगियों का हिस्ट्री है योगियों से जुड़ रहा हूँ तो ये दूसरा हिस्ट्री है शिव जी से आता है ओ शिव जी से आता है पूजा करते हैं शिव जी की फिर आपका लड़का बोलेगा मैं शिव जी जैसे बनना चाहता हूँ योगी बनना चाहता हूँ नहीं क्या हो गया तो पगल हो गया क्या क्या देख रहा है यूट्यूब पे ऐसे बोलेंगे hmm. ठीक है तो hmm. <laughs> मुझे लगता है लोगों को बेसिक्स ऑफ बेसिक्स किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है इसलिए ऐसे चीटियों की तरह ना ये गर्म पत्थर पे चीटी भागती है ना ऐसे 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 देखा है आपने hmm. गर्म पत्थर पे क्योंकि पैर नहीं रख सकते hmm. ऐसे एजेंसी में भाग रहे हैं लोग अपने मौत की तरफ और आपको एडवाइस भी देंगे तुम मेरे साथ भागो मौत की तरफ जा रहे हैं हम एक अच्छी मौत मरेंगे और तुमको बोलना है थैंक यू वेरी मच जी आपने मेरे को मौत मौत तक पहुंचाया वाह मैं आप जिंदगी भर जो छोटी रहेगी अभी फिर भी जिंदगी भर मेरी छोटी जिंदगी भर मैं आप पे आपके एहसान रखूंगा थैंक यू वेरी मच ऐसे रहना है आपको इस समाज में और रहते भी हैं लोग ऐसे मैं बोलता हूँ ये कंपलसरी नहीं है आपको ये नहीं करना है तो मत करो लेकिन इट स्टार्ट्स विथ तेजस बढ़ाना अपने वीर को कलेक्ट करना है तेजस बढ़ाओ तेजस बढ़ाओ बढ़ा बड़ा बढ़ा बढ़ाओ बढ़ा, बढ़ा। फिर आपको सब खेल लगेगा आपको मज़ा आएगा सीखने में यहाँ पे जब आपके एक्सप्रेशन ठीक हो जाए ना वाग देवी से आपने पंगा नहीं लिया तो अपने एक्सप्रेशन को कम नहीं किया तो आपकी हेल्थ वापस आ जाएगा जो भी अपने एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है उसको हेल्थ प्रॉब्लम आएगा ही आएगा आप देख लो किसी भी क्रॉनिक कोई भी हो जाके उनसे पूछ लो क्या आप सच में आपके मन में जो चल रहा है आप सबसे बोलते हो क्या नहीं नहीं बोल पाते नहीं बोल पाते क्यों क्योंकि सारे उसने वेस्ट कर दिया अपना वीडियो ऐसे बैठा है जिंदगी में हाँ मेरे मेरे तशरीफ़ के नीचे चार पहिए हैं आप जहाँ भी जेल ले जाना चाहते हो ले जाओ मैं उस तरफ आ जाऊँगा ऐ हमारे देश के नौजवान आजकल ऐसा नहीं रहता था यार पहले बहुत तेजस्वी बनना चाहता आ, 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 पढ़ता था इस इस देश को महान बनाने के लिए बहुत तेजस्वी लोग आए हैं इधर सबने इंजीनियरिंग पढ़ के आई जॉब नहीं किया ठीक है ये क्या करियर चॉइस है यार कैसे है ये मतलब क्या है हर कोई आई योगी कैसे बन सकता है हर कोई आई कैसे, बन सकता है? कैसे? ठीक है यही नॉनसेंस सेंस है ना इसलिए मैं हिंदी में कर रहा हूँ अभी पॉडकास्ट ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए गुरु जी क्या एक दिन में एक से ज़्यादा बार हस्तमैथुन करना ठीक है और क्या ये सेम है लड़कों और लड़कियों के लिए हाँ तो अभी हम डिस्टिंग्विश करेंगे जो मैंने प्रोसेस बताया उसको बोलते हैं लैब कोई भी आपको ओपनली नहीं सिखाएगा ये ठीक है ये अखाड़े में सीखना पड़ता है लेकिन हमारे देश के युवक युवकों को देख के और युवाओं को देख के मुझे लगता है कि ये सीक्रेट नॉलेज उनको उन उन तक पहुंचना है ठीक है तो आप वीर लाभ जितने भी बार करो कोई आपको हानि नहीं पहुंचेगा लेकिन हस्त मैथुन करके आप एजैक्युलेट करोगे ना तो वो वो दूसरा है वो आप दो तीन बार करोगे दिन में तो आपकी सारी चीज़ें हेल्थ से लेकर आ, मानसिक संतुलन तक बिगड़ जाएगी गुरु जी आ, एक और समस्या जो बहुत सारे युवाओं को है, है? वो है आ, पौन एडिक्शन की हाँ. यानी उनका वो बार बार पौन देखना चाहते हैं और जब वो देखना चालू करते हैं तो घंटों घंटों तक खुद को रोक नहीं पाते हुँ. कि मैं बंद करके कुछ काम की चीज़ करूँ तो इससे वो कैसे उभर सकते हैं कैसे वो उसको हाँ, तो इस चक्र में उनको कुछ है ही नहीं फ्यूचर है नहीं इनका जिनके पास फ्यूचर होता है इवन जो लोग यूपीएससी के लिए स्टडी करते हैं अगर उनको कुछ फ्यूचर का आ गया कि मैं मेरे को कलेक्टर बनना है ऐसे आ गया फ्यूचर में अगर आगे चक्र में वो, वो जाग गया तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जिनको फ्यूचर है ही नहीं तो इसमें टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि प्लेजर देता है ना कुछ अचीव करने की ज़रूरत नहीं थोड़ा सा हिलाया तो हो गया ना अचीवमेंट खुशी कुछ हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं ना। इसको नाम रखना चाहिए खुद खुशी <laughs> क्योंकि ये सुइसाइड ही है अपने आ, क्या बोलते हैं अपने लाइफ फोर्स को लेके फेंक रहे हैं लोग ऐसे फेंक रहे हैं जो जो फोर्स एक और लाइफ को बना सकता है उस फोर्स को शरीर से बाहर निकाल के फेंक रहे हैं पागल है क्या पागल है कई लोग होते हैं जिनको आ, रियल सेक्शुअलिटी में उनका मन ख़त्म हो जाता है और हाँ। वो सिर्फ केवल पवन देखना चाहते हैं उसके बाद हाँ हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि शादीशुदा है लेकिन अब एक दूसरे से सेक्स नहीं करते लेकिन आ, पौन तो बहुत देखते हैं और उसी उसी में उनको ज़्यादा से सेटिस्फेक्शन आता है उनके आ, पार्टनर से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आता है क्योंकि इसमें कुछ कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता है ना <laughs> नहीं तो वो मूड बनाना पड़ता है पहले और वो भी मेहनत है वो मेहनत नहीं करना चाहते वो सेक्सुअल मेहनत नहीं करना चाहते तो ये कम मेहनत वाला चीज़ हो गया तो रियल लाइफ में इंटरेस्ट चला जाता है लेकिन रियल लाइफ एक्चुअली आप उसमें प्रैक्टिस करोगे तो और भी प्रैक्टिस हैं वो सब मैं पब्लिकली सिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि अखाड़े से परमिशन नहीं है इस सब की बात करने के लिए इस सब के बारे में बात करने के लिए लेकिन जैसे सोलो कल्टीवेशन है यहाँ और चाइनीज सिस्टम्स में भी है ये सोलो कल्टीवेशन और डुअल कल्टीवेशन इसको बोलते हैं यमलत तंत्र यमलत तंत्र जो कपल्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है कपल्स का तंत्र डिफरेंट है जो य, जो अमेरिका में सिखाते हैं ना तांत्रिक सेक्स करके फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोप्रिएटली उसको सेक्सुअल तंत्र बोलना है तांत्रिक सेक्स नहीं है वो नहीं। है ना तो ये ये ठीक नहीं है नहीं। और उसके ऊपर ये सेक्स के बारे में नहीं है ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में है जो सेक्शुअल मीन्स हम यूज़ करते हैं पार्टनर के साथ ठीक है तो उसके रूल्स बहुत अलग होते हैं और पहले आप इसको प्रैक्टिस करो ठीक है इसमें आप माहिर बनो फिर मुझसे बात करो आपके तेजस बढ़नी चाहिए फिर मैं सिखा पाऊँगा नहीं तो आप सीख भी नहीं पाएंगे लेकिन ऑर्डिनरी सेक्स से बोर हो जाते हैं लोग वो सेम चार पोजीशंस होते हैं और उसमें ख़त्म मतलब इतना बोर हो जाता है इतना बोर हो जाते इतना बोर हो जाता है कि पता भी नहीं एनर्जी में क्या हो रहा है इससे क्या हम कर सकते हैं जैसे आपको एक पियानो मिला और आप आप अपने ए सी डी ई जैसे चार चार नोट सीख ले वही आप प्ले करेंगे तो पहली बार सुने वो वाह वाह साउंड आ रहा है साउंड आ रहा है फिर उसके बाद ये बहुत सुना है मैंने बहुत बार सुना है यार नहीं सुन सकते अभी तो एक हिट गाना हो रहा है ना जमाल कुडू करके हाँ तो एक महीने के बाद सुनो नहीं सुन पाओगे आपके हर जगह वो बज रहा है ठीक है तो सेम होता है सेक्स के साथ वही सेक्स वही सेक्स तो फिर थोड़ा सा मतलब खुश हो जाते हैं जब नहीं कर पाते कपल्स एकदम हाँ नहीं कर पा रहे हैं ठीक है कि उस टाइम में दे वुड बी मोर हैप्पी कि उनको उनका फ़ोन दे दे बाएँ हाथ में ठीक है <laughs> यही चाहिए <laughs> तो रियल लाइफ से वो उस उन्होंने रिजाइन कर लिया क्योंकि वो जानते नहीं कि उसको ठीक कैसे करे उसको एक्साइटिंग कैसे करे उसमें क्या मतलब तो लोगों को वो एक्सप्लोर करने की मेडिटेशन नहीं है यार ध्यान रखना चाहिए ना ध्यान में रहना चाहिए जब आप <laughs> सेक्सुअल एक्ट्स करते हो तो लेकिन नहीं रहते एकदम अपने मन के अंदर चेकआउट हो जाते इधर आपका उनका एनर्जी में नहीं रहता इधर तो क्या बहुत लोगों को ईडी हो रहा है तो मैंने पूछा अच्छा ईडी है आपको हाँ हाँ है गुरु जी तो मैंने बोला अच्छा रेक्टाइल डिसफंक्शन हाँ है तो मैंने बोला ठीक है लेकिन जब आप मैस्टोबेट करते हो तो क्या आपको वही होता है तो नहीं तब तो नहीं रहता ईडी तो ये क्या है सिर्फ पार्टनर के साथ ईडी है नहीं पार्टनर के साथ बोर है आपको इतना बोर हो गया कि हो रहा है ठीक है क्योंकि आप अवॉइड करना चाहते हो अपने उसको मतलब नहीं करना चाहिए वही होगा यार सेव रहेगा करके अवॉइड करना चाहते तो आपको ईडी आ गया तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं सेक्सुअल बोर्डम ये सेट इन हो जाता है फिर इतना बोर हो जाता है गॉड तो इसी कारण आप पहले वीर्य लाभ सीखो तेजस्वी बनो फिर आपको सीखने का मन आएगा फिर किसी गुरु से सीख लेना ठीक से फिर आप बोर नहीं होंगे आपके सेक्सुअल लाइफ को ठीक करने के लिए भी योगी ही चाहिए तुमको फिर आप भागते हो योगी से या योगी बनने से ठीक है इतना पुराना नॉलेज है कि ह्यूमन बीइंग्स खुश कैसे रहे ये योगी योगियों का नॉलेज है hmm. सब जो ह्यूमन बीइंग के खुशी के बीच में आता है उसको कैसे खत्म करना है ये सिखाया जाता है योग में hmm. तो योग एक योद्धा का एक एक पाथ है hmm. योद्धा का मार्ग है hmm. वो किसी ऑर्डनरी पीपल के लिए नहीं है भक्ति करके भजन करना है तो योग में मत आओ, hmm. क्योंकि योग में हमको तेजस डेवलप करना है अपनी एनर्जी को डेवलप करना है अपने आप को अप स्पिरिचुअल बनाना है अपने स्पिरिट को डेवलप करना है न कि हमको भगवान के पास जाके भीख मांगना है या भगवान के भरोसे पे अपने जिंदगी को चलाना है है ना? फिर बोलते फिर गाते हैं हमारे साथ श्री रघुराम तो किस बात की चिंता हुँ? गाते हैं भजन फिर चिंता करते हैं उसके बाद <laughs> क्योंकि अगर श्री राम आप, आपके साथ है तो आपको उनकी आ, होने का एहसास रहेगा यार है ना? ढूंढना नहीं पड़ेगा है क्या? है क्या है क्या श्री राम है क्या ढूंढना नहीं पड़ेगा उनके आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा हमेशा है ना? तो किस बात की चिंता इसकी बात कर रहे हैं वो अर्न करने के लिए बहुत आपको एकदम माहिर बनना है इतने चीज़ों में इतने चीज़ों में आपको माहिर बनना है ठीक है फिर जाके श्री राम अपना अनुग्रह देते हैं कि हाँ तू सच्चा भक्त है तूने मुझसे भीख नहीं मांगा तूने बोला मुझे ज्ञान दे भगवान ये भक्ति होता है कि भगवान हमको ज्ञान देगा ही जब हम चाहते हैं ज्ञान तो दे देंगे भगवान ऐसा हमारा रिलेशनशिप रहना चाहिए ना कि भीख मांगना उनके सामने मतलब क्या शोभा देता है वो कैसे आदमी हो तुम शिव जी और शक्ति जी ने तुमको पैदा किया और तुम क्या कर रहे हो भीख मांग रहे हो उधर नहीं मांगो भीख ठीक है बड़े से बड़े लोग जाके मांगते हैं भीख मन्नत ये वो ये वो ये करके दो मत मतलब साधना नहीं करते साधना नहीं करते साधना कैसे साधना कैसे क्यों करें नहीं हम बहुत सालों तक साधना नहीं करेंगे फिर जब शिट हिट्स द फैन हम मंदिर में जाके भीख मांगेंगे ये कैसे जिंदगी हो गया यार हाँ इससे बच्चे और थोड़ा होशियार बन जाए सब गुरु जी क्या हाँ? सबको वीर लाभ करना चाहिए हर उम्र के लोगों को हाँ? और क्या ये उम्र के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस में कुछ बदलाव होते हैं नहीं आपकी उम्र जितना भी हो आपकी मेनोपॉज हो चुकी हो आप बूढ़े हो गए हो फिर भी अगर आप वीर लाभ करेंगे तो आपकी जवानी वापस आ जाएगी हाँ ये कोई मामूली सा एनर्जी नहीं है आपको पता है है ना ये मामूली सा एनर्जी नहीं है इससे आप दोस्ती करोगे तो आपका लाभ ही होगा ठीक है गुरु जी वीर और प्राण में क्या कोई अंतर होता है होता है ना क्या अंतर होगा तो प्राण मतलब सारे एनर्जी फील्ड्स का एक कलेक्टिव नाउन है प्राण के अंदर बहुत सारे एनर्जी फील्ड्स रहते हैं और वीर्य उसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड है जो सेक्सुअल एनर्जी फील्ड है जो मूलाधार चक्र में रहता है हर चक्र का एनर्जी फील्ड अलग होता है और इसका अलग नाम रहता है जैसे इसका एनर्जी फील्ड है स्वमूर्ति है ना और ये ये ताकत वाला एनर्जी फील्ड है या आ, पावर वाला एनर्जी फील्ड है जिसको हम बोलते हैं शक्ति और ये एनर्जी फील्ड है जो आपको आ, सेफ्टी देता है इनक्रेजमेंट देता है प्रोटेक्शन देता है ठीक है तो उसको बोलते हैं सुरक्षा कवच और ये जो एनर्जी फील्ड है इसको बोलते हैं जो एक्सप्रेस करता है कनेक्शन करता है तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन um, वाला फील्ड ठीक है पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं क्या कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कानवर्जेशन तो वार्तालाप हुआ लेकिन ये सारे कम्युनिकेशन नॉट ना, ना सिर्फ कानवर्जेशन बट आल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो भी होता है हाँ वो एक फील्ड है ठीक है हम हम उसको बोलते हैं वाक शक्ति ठीक है और यहाँ एक फील्ड है जो अपने फ्यूचर को तय करता है अपने पास्ट को तय करता है uh, so, इसको बोलते हैं इतिहास हुँ. इतिहास से ही हमारा फ्यूचर बनता है हुँ. है ना? भविष्य बनता है इतिहास के पन्नों से कुछ चीज़ें लेके भविष्य लिखी जाती है ठीक है आपने सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इट ये एकदम सच है हुँ. कि जो हमारा हिस्ट्री है उसी के हिसाब से वो आता है मतलब ये एक आम का पेड़ है उसके पूर्वज भी आम के पेड़ ही थे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस थे तो इसने एवोल्यूशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया है ना बस तो वो एवोल्यूशन में हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो करते हैं वो है हमारा आगे चक्र का फील्ड ठीक है ये होगा वृद्धि का फील्ड ओके okay? सिद्धि का भी ये फील्ड है क्योंकि वृद्धि के बिना सिद्धि नहीं रहती और ये जो ऊपर ऊपर वाली फील्ड है ये आध्यात्मिक या अलौकिक फील्ड है स्पिरिचुअल फील्ड है ठीक है तो ये सारे इन सार सारे फील्ड को मिला के जब बोलते हैं, वो है प्राण शक्ति द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फील्ड्स और hmm. भी है फील्ड सीक्रेट्स है उसको जो मैं रिवील नहीं कर सकता ये तो कॉमन है साथ ये रिवील कर सकता हूँ और भी है ऐसे फील्ड्स uh, गुरु जी हमारे जो नए दर्शक हैं जो hmm. पहली बार ये एपिसोड देख रहे हैं hmm. क्या उनके लिए आप सिक्सटी फोर डे चैलेंज के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे डिटेल्स हाँ, की हाँ, कौन कर सकता है और कैसे कर सकते हैं हाँ कुछ नहीं बहुत सिंपल है यार तो नीचे इस वीडियो के नीचे एक लिंक करता हूँ जो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है चौबीस मिनट का वीडियो है, देख लो पूरा देख लो आधा मत देखो पूरा देखने के बाद मुझे कांटेक्ट कीजिए उसके उस वीडियो के नीचे मेरा कांटेक्ट डिटेल्स रहेगा तब आप कांटेक्ट करना पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि आपने पूरा वीडियो देखा कि नहीं नहीं देखा तो बात नहीं करूंगा आपसे जाके देख के मेरे को कांटेक्ट करना ठीक है नहीं तो कुछ है मतलब चौबीस मिनट का नहीं है तीस मिनट का रहेगा पता नहीं hmm. हिंदी में किया मैंने एक वीडियो Sorry. हाँ वो लिंक कर देता उसमें Sorry. इंग्लिश वाले क्यों चाहिए hmm. हिंदी में किया ठीक है ठीक है थैंक यू गुरुजी आपका समय निकालने के लिए और हमें इतनी सारी नई बातें बताने के लिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में और सेक्शुअलिटी के बारे में थैंक यू थैंक्स यू